हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा मैजिकल पराठा बना करके तैयार करेंगे जिसे आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, आपकी इच्छा जहां है वहां इसे आप यूज कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में उतना ही आसान और हेल्दी है। आप इसके लेयर्स देख सकते होंगे कि कितना बढ़िया लेयर वाला और बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बन करके तैयार हो चुका है। आप इसे दही के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ या अपने मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसे दो उंगलियों से तोड़ रही हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट पराठा बन करके तैयार है। चलिए, देर न करते हुए इस यमी पराठे के लिए डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ 3 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 कप दही और 3 चम्मच यहाँ पे घी डाल करके इसका मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से और पराठे का एक सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारा डो लग करके तैयार हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ कुछ सब्जियाँ लिया है मैंने, 2 गाजर को ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन लिया है, 1/2 कैप्सिकम और 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ आप अपनी पसंद की भी सब्जियों का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ मसालों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, सिर्फ चाट मसाला और पिज़्ज़ा हर्ब्स डाल करके इन्हें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पाव भाजी मसाला भी मिक्स कर सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे नमक नहीं डालेंगे सब्जियों में, क्योंकि हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आटे में ही डाल करके मिक्स कर लिया है। अगर हम सब्जियों में नमक डाल देंगे तो सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी और फिर इसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसमें से मैं 2 मीडियम साइज़ के लोई काट करके निकाल लूँगी, मीडियम साइज़ के 2 गोले निकाल लूँगी और बाकी के आटे को हम ढक करके रख देंगे। तो देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ के गोले ले लिए हैं, बाकी को ढक दिया है ताकि ये सूखे नहीं। अब इनको हम अच्छे से गोल कर लेंगे, इसे हमें बेल करके बड़ा करना है। अब हम पहली लोई को जब बेलेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा हम ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि इसे हमें फोल्ड करके रखना है। थोड़ा सूखा आटा ज़्यादा लगाएंगे तो ये जब हम फोल्ड करेंगे तो ये आपस में चिपकेगा नहीं। तो मैं बताती हूँ, देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा ज़्यादा आटा लेकर के इसे बेल लिया है। और आप जितना बड़ा हो सके और जितना पतला हो सके उस तरह से बेल लीजिए। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला इसे आप बेलिए। हमने सूखा आटा इसलिए ज़्यादा लगाया है क्योंकि ये हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, अगर मैदा होता तो शायद नहीं चिपकता। तो देखिए, इतना बड़ा मैंने इसे बेल लिया है और काफ़ी पतला भी है ये। मैं दिखा देती हूँ आपको ये कितना पतला है। तो देखिए, इस तरह से इतना पतला है ये। अब इसे हम इस तरह से उल्टा करके फोल्ड करके रख देंगे और दूसरी लोई को लेकर के फिर से उतना ही बड़ा हम बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हम 1 से 1.5 चम्मच घी डाल करके ब्रश की सहायता से इसे फैला लेंगे। तो देखिए, मैंने 1.5 चम्मच घी डाल करके ब्रश की सहायता से घी को फैला लिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार चम्मच से या ब्रश से फैला लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम कटी हुई सब्जियों को भी फैला देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा लेयर है, हमें सब्जियों का नहीं करना है, थोड़ा पतला ही, इस तरह से पतला पतला ही हम फैलाएंगे। फ्रेंड्स, अभी भी कुछ लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब जो सेकेंड लेयर हमने फोल्ड करके रखा है ना, उसे उठाएंगे और बड़ी ही सावधानी से इसके ऊपर देखिए इस तरह से डाल देंगे। तो थोड़ा ज़्यादा सूखा आटा लगाने का मतलब यही था कि हमारी रोटी आपस में चिपके नहीं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे एक दूसरे के ऊपर रख दिया है और अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से हम टैप करके दबा देंगे। अब फिर से इसके ऊपर हम 1.5 चम्मच घी डालेंगे और फिर ब्रश की सहायता से चारों तरफ मैं इसे फैला दूंगी। अब आप चाकू से या पिज़्ज़ा कटर से, जैसे भी आपकी सुविधा बनती है उस हिसाब से आप इसे पतला पतला स्ट्रिप में काट लीजिए। तो देखिए, मैं पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप में इसे काट ले रही हूँ।
और इतनी बड़ी रोटी बनाने के बाद हमारा 4 से 5 पराठा बन करके तैयार होगा इस स्ट्रिप से। तो हर स्ट्रिप को हम देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से आप स्ट्रिप इसमें मिक्स करते जाइए। तो देखिए किनारों का पतला था तो मैंने तीन स्ट्रिप इसमें लगा दिया है और इस तरफ से भी 3 स्ट्रिप मैं लगा दूंगी। 20 की स्ट्रिप्स मेरी लंबी हैं तो मैं 2-2 लगाऊंगी और मीडियम साइज़ का पराठा बेल करके मैं तैयार करूंगी। आप अगर और बड़ा बनाना चाहते हैं तो 3-3 स्ट्रिप भी इसके अंदर लगा सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं। तो देखिए जैसे लग रहा है ना कि गुलाब का फूल खिला हो उस तरह से तो हमारे पराठे की लोई बन करके तैयार हो चुकी है। तो हमने जो 2 रोटी बेली थी उसके अंदर हमारे ये 5 पराठे बन करके तैयार होंगे मीडियम साइज़ के। अब हमने सभी पराठे की लोई को बना करके तैयार कर लिया है तो देखने में तो अभी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ हम गैस पर एक तवा रख देंगे गर्म होने के लिए और इस पराठे को बेल के तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा हम डस्ट करेंगे और हल्के हाथ से इसे हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक थोड़ा मोटा ही इसे हमें बेल करके रखना है ताकि इसकी लेयर्स बहुत अच्छे से खिलें। तो देखिए मैंने इतना बड़ा इसे बेल करके तैयार कर लिया है और दूसरी तरफ तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। तो तवे पे हम थोड़ा सा ब्रश की सहायता से घी लगा देंगे और इसे सेकते समय हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आटे में भी थोड़ा घी डाला था और रोटी बेलने के बाद उसके ऊपर भी थोड़ा घी लगाया हुआ था। तो अब बस एक बार ही हम इस तरह से तवे पे घी लगा दिए हैं और इस पराठे को उलट पलट के अच्छी तरह से हम सेक करके तैयार करेंगे। अगर आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हैं या आपके पास खुद के पास शाम को समय कम है तो दोपहर को ही आप इस तरह से पराठों की लोइयां बना करके रेडी कर सकते हैं और शाम को इसे बेल करके सेक करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो आप इसकी लेयर्स देख सक रहे होंगे कि इसमें कितने बढ़िया लेयर्स खुलने लग गए हैं सिकने के बाद और बहुत ही बढ़िया हमारा पराठा सिक करके तैयार हो चुका है। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे पराठों को बेल करके और सेक करके तैयार कर दिया है। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लगते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।